सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं समीर बट फिटनेस। गाइस, सबसे पहले आशा करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे से होंगे। इस वायरस के टाइम पे अपना ख्याल रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और बिल्कुल मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं आप सभी लोग। तो बात करना चाहूँगा आज ओजिवा के प्लांट बेस्ड बायोटिन के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि उनको अपनी हेयर ग्रोथ के लिए या योर फेशियल ग्लो के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना था। तो डेफिनेटली गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाए, रेगुलेट हो जाए, या आपका हेयर फॉल हो रहा है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बायोटिन, जो कि वाइटामिन बी कैटेगरी में, वाइटामिन एच बी बोलते हैं इसको, इस कैटेगरी में आता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं गाइज़। इसको यूज़ करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। आपको इसका एक स्पून लेना, मैं आपको स्पून दिखा देता हूँ किस टाइप का होता है इसका स्पून। ये इसमें आपको स्पून मिलता है, ये एक स्पून आपको लेना है और बायोटिन का एक स्पून पाउडर का आपको एक ग्लास पानी में मिक्स करना है, उसके बाद आपको गाइस पी जाना है। तो ये आपकी डेली की डोजेज रहेगी। इसको यूज़ करने के बाद, अभी आप इसको एक महीना तक यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे। और जैसे कि इसका बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मुझे लगा कि इसमें जो बालों में है शाइनिंग आपको दिखेगी, जो एक नेचुरल ग्लो होता है वो आपको लगेगा। उसके अलावा जो आपके हेयर स्ट्रेंथ है, जैसे कि मैं पहले शावर लेता था या बाल धोते टाइम मुझे लगता था कि काफ़ी ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तो इसको कंज्यूम करने के बाद मुझे काफ़ी हद तक लगा कि वो चीज़ कम हो रही है डेफिनेटली। और उसके अलावा अपने फेस या स्किन की ग्लो के लिए, उसकी बेटर क्वालिटी के लिए आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं डेली बेस पे। इसके अलावा जो अगर आपके नेल्स जो हैं काफ़ी ब्रिटल हो रहे हैं, काफ़ी सख्त हो रहे हैं या ड्राई ड्राइनेस आपको फील हो रही है अपनी स्किन पे, वो सारी साइंस होती हैं कि आपकी बॉडी में जो बायोटिन की है कमी हो रही है। तो डेफिनेटली अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो वो सारी जो दिक्कत है आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि आप इसको कंज्यूम करने के लिए, या तो आप मॉर्निंग में इसको कंज्यूम कर सकते हैं, वही एक चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं डेली बेस पे, और इसको रिजल्ट्स आपको एक महीने डेढ़ महीने के बाद आपको दिखने शुरू हो जाएंगे गाइस। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे मैं जॉब करता था तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब होती है और मैं खाने पे भी ध्यान नहीं रख पाता था गाइस। तो उसकी वजह से जब हम खाने पे ध्यान नहीं रख पाते हैं तो जो काफ़ी सारे विटामिंस होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हम अपनी डाइट में जो है इंक्लूड नहीं कर पाते और हमारी बॉडी कहीं ना कहीं उन सारे न्यूट्रिएंट्स से डिफिशेंट हो जाती है। जिसमें अगर आप जैसे बॉयल्ड एग्स खा रहे हो या नॉन वेजिटेरियन हो आप, तो बायोटिन की खास तौर पर आपको कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन आप अपना डाइट का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो उस केस में आपको डेफिनेटली मार्केट में जाकर अलग से सप्लीमेंट परचेज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो डेफिशिएंसी है बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो रही है या आपका हेयर फॉल हो रहा है, वो सप्लीमेंट कंज्यूम करके आप उस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं गाइस। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि ओजिवा के बायोटिन में जो आपको इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो सारे नेचुरल हैं। इसमें आपको सेजन बायो, जो कि बायोटिन में जिसमें हाई मात्रा होती है जिसकी, यह आपकी हेयर और स्किन की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अलावा बैम्बू शूट जो है वो आपको मिलता है इसमें, जिसमें जो सिलिका में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, तो ये भी आपकी जो हेयर की शाइनिंग को है जो प्रमोट करता है। आंवला की बात करें तो ऑफ़ कोर्स आप सभी जानते ही होंगे कि उसमें विटामिन सी का बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपके जो हेयर स्ट्रैंड्स को है वो सपोर्ट करता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो जाता है गाइस। और इसके अलावा लास्ट में इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ पोमोग्रेनेट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से, डेली भाग दौड़ की ज़िंदगी की वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से सेल्स डैमेज हो जाते हैं हमारी बॉडी में और उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल या स्किन डैमेज या एजिंग जल्दी हो जाती है, उसको वो कंट्रोल करता है और आपकी स्किन को यूथफुल रखने में आपकी हेल्प करता है गाइस। इसमें बिल्कुल, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि वीगन है, प्योरली वीगन है, इसमें सोय फ्री है, कोई ग्लूटेन नहीं है और कोई भी प्रिजर्वेटिव्स इसमें ऐड नहीं किए गए हैं और कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्सटेंस इसमें ऐड नहीं किया। सो प्योर है, वेजिटेरियन है, वो प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो की वजह से। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।